ক্লিক করুন অ্যাপের বেল আইকনে আর সাবস্ক্রাইব করুন এবিপি আনন্দ। সব সময় থাকুন খবরে। একদিকে প্রবল বৃষ্টি, অন্যদিকে ভরা কোটাল, দুইয়ের ধাক্কায় বানভাসী মুম্বাই। আর তাই আজ ও কাল বাণিজ্য নগরীতে লাল সতর্কতা জারি আবহাওয়া দফতরের। মুম্বাইবাসীকে বিনা প্রয়োজনে বাড়ি থেকে বের না হওয়ার পরামর্শ দিয়েছে বৃহন মুম্বাই পুরসভা। সমুদ্র তীরবর্তী এলাকায় না যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গত কয়েকদিন ধরে মুম্বাইয়ে প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে। জলমগ্ন সান্টাক্রুজ, কোলাবা, বান্দ্রা, মীরা রোড, পারেল সহ বিস্তীর্ণ এলাকা। মুম্বাই ছাড়াও ভারী বৃষ্টি হচ্ছে মহারাষ্ট্রের থানে, রায়গড়, রত্নাগিরি, পালঘর জেলাতেও। বহু জায়গায় গাছ উপড়ে পড়েছে, জলে ভাসছে গাড়ি। প্রবল বৃষ্টির জেরে উপকূলরক্ষী বাহিনী, বিপর্যয় মোকাবেলা দপ্তর, বিদ্যুৎ দপ্তর, দমকল বিভাগকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। একদিকে ভরা কোটাল, অন্যদিকে ভারী বৃষ্টি, একেবারে জেরবার মুম্বাই। আমাদের প্রতিনিধি জিতেন্দ্র দীক্ষিত কি ছবি তুলে ধরেছে দেখব। और ये वडाला मार्केट की हालत है, जो वडाला रेलवे स्टेशन से सटी हुई मार्केट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह का जल जमाव हुआ है। यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है कि हर साल मानसून में उन्हीं ठिकानों पर पानी भरता है, हर साल वही उन्हीं जगहों से तस्वीरें आती हैं जो कि निचले इलाकों की हैं और जहाँ पर सालों से दिक्कत है। जब ये बात प्रशासन को पता है कि इन विशेष इलाकों में ही पानी भरता है, इन इलाकों से ही दिक्कत होती है, तो सवाल यह है कि इसके लिए फिर प्रशासन की ओर से किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, क्या किया जा रहा है। मुंबई महानगर पालिका का बजट बहुत सारे छोटे राज्यों के बजट से भी ज्यादा बड़ा है और करीब 900 करोड़ रुपए के आसपास सिर्फ जल निकासी के लिए ही रखे जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद जमीन पर आप इस तरह की तस्वीरें साल दर साल देखेंगे तो आखिर कहाँ जाता है ये पैसा। जाहिर तौर पर भ्रष्टाचार या फिर लापरवाही या फिर ठीक से नियोजन ना होने की वजह से साल दर साल हमें ये तस्वीर देखने मिलती है। क्योंकि मुंबई में बारिश हमेशा से इसी तरह से होते आई है, आगे भी ऐसी ही बारिश होगी। हो सकता है कि बारिश की तीव्रता आने वाले सालों में और ज्यादा बढ़े, लेकिन उसके लिए ठोस उपाय नहीं किए गए हैं। कैमरामैन अजीत कदम के साथ जितेंद्र दीक्षित, एबीपी न्यूज़ मुंबई।